सौ दिन 615 डायरेक्टिव्स। वजीर आला उस्मान बुजदार ने किसी को इनकार न किया। सिफारिश कराने वालों में शफकत महमूद, राजा यासिर हुमायूं, नजीर चौहान और दीगर शामिल। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने मौकफ देते हुए कहा कि मसाइल हल करना हुकूमत का काम है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, आगाह कीजिएगा, क्या इस तब्दीली का ढिंडोरा पीटा जा रहा था? दिल्ली से की जा रही है और अब तक अगर आप देखें तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार के इकदाम पर 615 जो है सीएम ऑफिस की जानिब से डायरेक्टिव जारी किए गए हैं, जिसमें 250 से ज्यादा डायरेक्टिव यानी 42% जो डायरेक्टिव है वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने अपने ही जिले राजनपुर के और उसमें तौंसा शरीफ के लिए जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने अराकीन असेंबली की ख्वाहिशात और अपने जो वोटर्स थे उनकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऐसे तरक्याती मनसूबों के इकदाम दिए जो कि ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, सालाना तरक्याती प्रोग्राम में और उसके अलावा मंजूर शुदा ही नहीं थे, जिनके लिए उन्होंने पैसे जारी करने और उन तरक्याती स्कीमों के लिए जो है वो जारी करने के इकदाम दिए गए। इसमें गलियों की पुख्तगी, सीवरेज की निकासी आब और स्ट्रीट लाइट्स की स्कीमें शामिल हैं। और वजीर आला पंजाब से सिर्फ यही नहीं PTI के बल्कि पाकिस्तान जो जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं लियाकत बलोच, वो भी उनसे मिले। उन्होंने भी अपने जो है हल्के के लिए, अपने जो इलाके के लिए, शेखपुरा के लिए जो है वो कुछ पैसे जारी करवाने के लिए इकदाम। बहुत शुक्रिया हसन रजा, तफसीलात से आगाह करने के लिए।